हेलो दोस्तों, आज की कहानी है बहू से नफरत। मम्मी, मैं कह रहा हूं ना, मैं काव्या से ही शादी करूंगा, अन्यथा मैं जिंदगी भर कुंवारा रह जाऊंगा और यह मेरा अंतिम फैसला है। अब इस विषय पर मैं आपसे आगे बहस नहीं करूंगा। तभी शिवम की मम्मी सरिता जी ने कहा, बेटा तू समझता क्यों नहीं है, हमने तेरे सामने काव्या की जन्म कुंडली पंडित जी को दिखाई थी ना, और उन्होंने काव्या की कुंडली में मांगलिक दोष बताया है। अब तू बता, सब कुछ पता होते हुए हम तेरी शादी एक मांगलिक लड़की से कैसे कर दें? तू जानता नहीं कि मांगलिक दोष वाले के जीवन साथी की मौत जल्दी हो जाया करती है, इसलिए तुझे मैं समझा रही हूँ, तू भूल जा काव्या को। सरिता जी ने शिवम को बहुत समझाया, पर शिवम का कहना था कि जब मैंने काव्या से प्यार किया था, तब मैंने उसके साथ प्यार करते हुए जन्म कुंडली का मिलान नहीं किया था, ना ही मैं इन मिलानों को मानता हूँ। इसीलिए अब बस मैं शादी करूंगा तो सिर्फ काव्या से, और यह मेरा अंतिम निर्णय है। आखिर सरिता जी को अपने बेटे के जिद के आगे झुकना पड़ा, और पंडित जी के द्वारा बताए गए उपाय के अनुसार काव्या के मंगल दोष को दूर करने के लिए शिवम से शादी करने से पहले काव्या की शादी एक पेड़ के साथ करवाई गई, और उसके बाद काव्या ने शिवम से शादी करी। काव्या दुल्हन बनकर शिवम के घर आई, पर सरिता जी को काव्या का मांगलिक होना अभी भी खटक रहा था, और सरिता जी उसे दिल से नहीं अपना पा रही थी। घर में कुछ भी परेशानी आती तो उसका दोष काव्या को ही दिया जाता, लेकिन काव्या पढ़ी लिखी संस्कारी लड़की थी और वह अपनी सासू माँ से मिले इन बेवजह आरोपों को अपने दिल से नहीं लगाती थी। इसी तरह ससुराल में उसके दिन कट रहे थे। एक दिन शिवम ऑफिस से जल्दी घर आ जाता है, तब सरिता जी ने उससे पूछा, बेटा आज जल्दी कैसे आ गए? तब उसने कहा, माँ आज सुबह से ही सिर दर्द और बहुत कमजोरी आ रही है, इसीलिए ऑफिस में काम करने की हिम्मत नहीं हुई मेरी। तब सरिता जी ने कहा, चल बेटा जल्दी कर, हमें डॉक्टर के पास चलना चाहिए। तब शिवम और सरिता जी डॉक्टर को दिखाने गए। डॉक्टर को दिखाने के बाद मालूम पड़ा कि शिवम को पीलिया हो गया है, और दोनों जैसे ही घर लौटे, सरिता जी ने घर को सिर पर उठा लिया और कहने लगी, जब से ये लड़की हमारे घर में आई है, तब से हमारे घर में परेशानियां और बीमारियां भी साथ में लेकर आई है, इसके कदम ही अशुभ हैं। अब देखो, इसका मांगलिक दोष हमारे बेटे पर भी असर करने लगा। कल को अगर मेरे बेटे को कुछ हो गया तो कौन जिम्मेदार होगा? तभी काव्या ने कहा, मम्मी जी प्लीज, और कितना नीचा दिखाएंगी आप मुझे? आज तक मैं चुप रही क्योंकि पापा ने यही सिखाया था कि बड़ों के आगे ससुराल में जवाब मत देना, पर आज तो आपने हद ही कर दी। अगर मैं आज नहीं बोली तो जिंदगी भर खुद को माफ नहीं कर पाऊंगी। मम्मी जी, अगर आप पंडित जी पर भरोसा नहीं करती थी तो उनके कहे अनुसार आपने सारी मांगलिक दोष निवारण की विधि क्यों करवाई? क्यों पहले आपने मेरी पेड़ से शादी करवाई? दोष मेरा मांगलिक होना नहीं है, बल्कि दोष तो मेरा आपकी बहू होना है, क्योंकि घर में जाने अनजाने में कुछ भी परेशानी आती है उसको आप मुझसे जोड़ देती हैं, और जब कोई सास अपनी बहू से नफरत कर रही होती है तब यह बहू दोष बेटे बहू नहीं पूरे परिवार को परेशानी में डाल देता है, और इस बहू दोष से मुक्ति भी सिर्फ सास ही दिलवा सकती है। बहू को अपनी बहू माने, उसे दिल से अपनाए, उसे भी सम्मान दे और यह महसूस कराए कि वह भी इस परिवार का सदस्य है, नहीं तो बहू दोष मांगलिक दोष से भी ज्यादा पीड़ादायक हो जाता है। काव्या की कही हुई बातें सरिता जी के दिल को झकझोर रही थी, और उन्हें मन ही मन पश्चाताप भी हो रहा था। उस समय
उन्होंने काव्या को कुछ भी नहीं कहा। थोड़े दिन बाद शिवम बिल्कुल ठीक हो गया और ऑफिस जाने लगा। एक महीने बाद शिवम की सैलरी भी बढ़ गई, तब उसने घर आकर इसका श्रेय काव्या को दिया। तो सरिता जी बोली, हाँ सही है बेटा, तू तो सारा श्रेय बहू को ही देगा, तेरी माँ का आशीर्वाद भी तो तेरे प्रगति के पीछे रहता है। तेरे साथ तू तो मुझे श्रेय देना भूल ही गया। तब शिवम ने कहा, माँ इस बार काव्या का मांगलिक दोष मुझ पर और नहीं ना ही मेरी तरक्की पर नहीं लगा, और माँ जब हर बुरी परेशानियों का श्रेय काव्या को देते हैं तो अच्छे कामों का श्रेय भी तो काव्या को ही देना चाहिए, तो इसीलिए आज का सारा श्रेय काव्या को जाता है। शिवम ने हंसते हुए कहा। तब काव्या बोली, शिवम तो क्या तुम भी मुझे ऐसा समझते हो? तब शिवम ने कहा, नहीं काव्या बिल्कुल नहीं, बल्कि मैं तो माँ को समझाना चाह रहा हूँ कि सुख दुख हमारे जीवन का हिस्सा है, और कभी जीवन में खुशियाँ आती हैं तो कभी गम भी आते हैं। इसके लिए हमें परिवार के सदस्य या अपनी बहू को दोष देना उचित नहीं है। तभी सरिता जी बोली, बेटा सही कह रहा है तू, और तेरी तरक्की ही बहुत है मुझे झूठे दोषों से बाहर निकालने के लिए। आज मैं यह कसम लेती हूँ कि आज के बाद मैं काव्या को किसी भी बात का दोष नहीं दूंगी। यह सुनकर काव्या आज बहुत खुश थी, क्योंकि आज उसको उसकी सास ने मांगलिक दोषों के साथ साथ बहु दोष से भी मुक्ति दे दी थी। धन्यवाद। अगर आपको मेरी कहानियाँ अच्छी लगती हैं तो इसे लाइक करिए और मेरे चैनल को प्लीज सब्सक्राइब करिए।